Hello, my dear students. Today, we are going to revise alphabet. ठीक है, आज हम alphabet को revision करने जा रहे हैं. ठीक है ना, जो आप लोग already previous class में पढ़ चुके हैं. ठीक है, इसको हम mind में थोड़ा सा remind करेंगे. Chapter 1 से, और book कौन सा बुक है, डॉल्फिन इंग्लिश प्राइमर बुक से. ठीक है ना, अगर आपके पास बुक है तो बुक को ओपन करिए, और जैसे कि मैं वीडियो में आपको बताऊंगी उसी तरह ये वर्क आपको फिलअप करना होगा. ओके बच्चों, तो आप ये बुक में ये वर्क करिएगा. ओके, सो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे पिक्चर्स हैं. ठीक है, जो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ठीक है, Take the picture that starts with the same letter as given in the circle. One has been done for you. अब हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ना जो पिक्चर, उसमें एक पिक्चर को टिक करना है जो वो लेटर से स्टार्ट होता है. जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत सारे लेटर्स दिया गया है, ए डी जी पी एस और ऐसे. ठीक है ना, ऐसे ए लेटर से, ए अल्फाबेट से कौन सा वर्ड, मतलब ठीक है, जैसे कि ऐसे एप्पल, ऐसे एरोप्लेन, ऐसे आंट. ठीक है, जो भी वर्ड आता है हमें उसको क्या करना होगा, टिक करना होगा. ओके बच्चों, सो हम स्टार्ट करते हैं. अब देखिए, ये आपके लिए ऑलरेडी क्या किया गया है, कर दिया है यहाँ पर ये. ठीक है ना, आप लोगों के लिए एक ऑलरेडी कर दिया है. ठीक है, फिर भी हम पढ़ेंगे. ऐसे एप्पल, ऐसे क्या आता है, एप्पल. ऐसे बॉल आता है, नो ऐसे बॉल नहीं आता है. ऐसे एग भी नहीं आता है, एग भी नहीं आता है. ऐसे कैट भी नहीं आता है. ओके बच्चों, सो अब यहाँ पर दिया गया है ऐसे एप्पल, एप्पल में टिक किया है कि नहीं. ऐसे ही इन द सेम वे वी हैव टू डू All this work, okay? Even here. D से doll. अब देखिए, D से doll ये क्या है, hat. ये igloo और ये girl. अब देखिए, D से hat आता है, no. D से igloo, no. D से girl, no. D से सिर्फ doll आता है. So हम D से doll में टिक करेंगे, ऐसे ऐसे टिक यहाँ पर करेंगे. ठीक है, अब जी से गुआवा, और ये क्या है, फॉक्स. जोकर, हर्स. अब देखिए, जी से यहाँ पर सिर्फ गुआवा आता है. जी से फॉक्स आता है, नो. जी से जोकर भी नहीं आता है. एफ से फॉक्स आता है, जे से जोकर आता है, और एच से हर्स. सो वी हैव टू टेक हेयर. गुआवा में हमें क्या करना होगा, टेक करना होगा. ओके बच्चों, अब पी से क्या आता है, काइट, नो. ऑरेंज, नो. नेस्ट, नो. पैरोट, यस. पी से पैरोट. सो हम कहाँ टिक करेंगे, पैरोट में टिक करेंगे. ओके बच्चों, नाउ हियर वी गो. एस से मैंगो, नो. सिप, नो. टाइगर, नो. सॉरी S is sip, yes. Tiger, no. Whale, no. So S से क्या आता है, sip आता है. So we have to take care, हम sip में क्या करेंगे, टिक करेंगे यहाँ पर. ओके बच्चों, अब यहाँ पर S for sip में टिक करेंगे, यहाँ पर P for parrot यहाँ पर टिक करेंगे, Z for guava, guava में टिक करेंगे, D for doll, doll में टिक करेंगे, और ये आपको ऑलरेडी कर दिया है. ठीक है ना, सो आप बच्चों, आपकी बुक है, आपके पास बुक है तो ये फिलअप करिएगा. जैसे आपको मैं बताए हूँ इसमें टिक करना है, तो ये बॉक्स में फिलअप करिएगा. ठीक है ना, सो थैंक यू सो मच, दिस मच फॉर टुडे.